ये मैंने 16800 की सी ली है 13 रुपये पे, क्योंकि 16800 पे मुझे दिख रहा है कि ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा है। छोटी क्वांटिटी ली है, ऐसे ही फन आपको दिखाना था वीडियो, इस वजह से लिया है मैंने, ठीक है ना। अब आप देखिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं इसको लगा रहा हूँ 18 पे, ठीक है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक्सपायरी 16800 के ऊपर ही होगी एनी हाउ, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आप देखिए 16800 पे ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा है, 115 का है, ये लोग बैठे हैं और ये लोग बैठे हैं 16800 पे, ये 39 लाख जो शेयर हैं ये भी कवर कर लेंगे, ये सोचेंगे कि यार चलो छोड़ो कौन ऑक्शन वगैरह में जाएगा, ठीक है ना। छोटा सा ट्रेड है, जस्ट एज एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको इग्नोर करना चाहिए एक्सपायरी वाले दिन 3 बजे के बाद ट्रेड करना, क्यों? बिकॉज द थिंग इज़ जीरोधा के सारे सिस्टम्स जैम हो जाते हैं, कुछ भी नहीं होता है उसमें, बहुत ज़्यादा पर समस्या आती है। अभी मैं इसको आपको दिखाता हूँ। अब प्रीमियम मीटिंग भी होती है, इस वजह से अगर होगा तो मैं पहले भी बुक कर सकता हूँ इसे, जस्ट फॉर फन मैंने ये लिया है, मैं खुद नहीं करता हूँ। दस 800 के नीचे जाएगा तो लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, यही इनका प्लान होता है एक्सपायरी डेज का। लेकिन अभी ये ऊपर बंद होगा, आप देखिएगा, ये देखिए पुट ऑर्डर रिसीव्ड आ गया, इसका मतलब ही है कि ये यहाँ पर जो है इनका बहुत हैंग होता है सिस्टम, इनका बहुत ज़्यादा हैंग होता है। अब देखिए आप 11 पे बुकिंग कर लेंगे, ये देखिए पुट ऑर्डर रिक्वेस्ट रिसीव, सबसे ज़्यादा हैंग होता है ये, आपका 10 बजे के बाद करने ही नहीं देगा आपको, ठीक है ना। बस यही दिखाना था आपको, थैंक यू सो मच। बाकी करना नहीं है आपको, मैंने जस्ट एक आपको एग्जांपल दिखाया कि कैसे ये जीरोधा 3 बजे के बाद ओवर हैंग होने लग जाता है, ठीक है, थैंक यू सो मच।